बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बस आज का एक हमारे पास जो केस है वो बहुत ज़बरदस्त और यूनिक है। बहुत सारे फार्मर्स को इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बस ये जो गाय आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके साथ बेसिक मसला ये है कि हर तीसरे दिन हीट पर आई हुई होती है, हर दूसरे से तीसरे दिन ये हीट पर आ जाती है। तो इस तरह के केसेस जो होते हैं, इस तरह के जो जानवर होते हैं फील्ड के अंदर, बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं जिनका इलाज चुटकियों में हो जाता है लेकिन डायग्नोज नहीं होती चुटकी में उसकी। तो इसके साथ बेसिक मसला है जी, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, जो है ओवरीज जानवरों के उनके ऊपर तीन तरह की सिस्ट होती हैं, जिसमें फॉलिकुलर सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट और सिस्टिक कॉर्पोरा ल्यूटिया। ठीक है, ये सिस्ट अक्सर जानवर की ओवरीज पर बन जाती हैं, जिसकी वजह से जानवर रिपीटर बने हुए होते हैं, बार बार हीट पर आ रहे होते हैं। अब ये जो जानवर है इसकी जो ओवरी है उसके ऊपर फॉलिकुलर सिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो इस सिस्ट की वजह से ये हर दूसरे तीसरे दिन पे हीट पे आई हुई होती है। ये देखें, अभी भी आपको इसकी थोड़ी तारें नज़र आ रही होंगी, इसकी जो वुल्वा है वो ढीली नज़र आ रही है। ठीक है, पहले बेसिक ये रिपीटर थी, इसका हमने जब से चेकअप किया है उसके बाद हमने इसको डायग्नोज किया, इसको फॉलिकुलर सिस्ट है। तो ये इसकी जो वजूहात हैं फॉलिकुलर सिस्ट की, बाज़ औक़ात बॉडी के अंदर हार्मोन जो हैं इम्बेलेंस होते हैं, हार्मोन का जो लेवल होता है वो मुकम्मल पूरा नहीं होता फीड की वजह से, या उसको सप्लीमेंट्स पूरे नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से जानवर रिपीटर बना हुआ होता है। तो हमने कुछ टाइम पहले इसको चेक किया और मेरे एक दोस्त हैं वो इसको इंसेमिनेशन करके गए थे, लेकिन उस टाइम इसको थॉरली मुकम्मल तौर पर चेकअप नहीं हुआ था। तो उसके बाद से ये हर तीसरे दिन पर हीट पर आ रही है, कभी तीसरे दिन, कभी चौथे दिन, कभी पाँचवें दिन पर। तो इस तरह के जानवरों का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। आप उनको PGF अल्फ़ा का डबल डोज का शॉट दे सकते हैं, या आप GNRH का डबल डोज का शॉट दे सकते हैं। तो इस तरह की जो भी सिस्ट आपके जानवर की ओवरीज के ऊपर होंगी वो आसानी से और बड़े बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जस्ट डायग्नोज थोड़ी सी होनी चाहिए, वरना ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये गाय है जी, ये आप देख सकते हैं, पहले इन्होंने काफ़ी टाइम बाद चेक करवाई, ये खाली निकली है, भूल से मेटिंग करवाते रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जानवर को जब भी आपने प्रेग्नेंट करवाना है, प्रेग्नेंट करवाने से पहले डॉक्टर को एक मरतबा लाजमी यूट्रस की जो है उसका चेकअप करवा लें, अंदर हाथ डलवा के देख लें कि जानवर के अंदर कोई किसी तरह का कोई मसला तो नहीं चल रहा, वरना आपको टाइम भी ज़ाया करना पड़ेगा, फीड के एक्सपेंसेस भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे और जानवर को बांधने खोलने के लिए लेबर के एक्सपेंसेस भी आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसके साथ यही मसला बना, 7 मंथ ये रिपीट करती रही और अब ये इसको जब चेकअप इसका किया गया तो इसके अंदर ये सिस्ट बनी हुई है। ठीक है, पहले ये नॉर्मल रहती थी, कोई इसको गौर नहीं करता था, लेकिन अब ये इसका हमने प्रॉपर मिनरल स्टार्ट किया है तो ये अब हीट के साइन हर दूसरे तीसरे दिन पर दे रही है। तो अभी मैं इसको लगाऊंगा PGF अल्फा हार्मोन डबल डोज में, तो जिससे ये इसकी जो ओवरीज हैं उसके ऊपर जो भी किसी किस्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इसका फ्लैट हो जाएंगी ओवरीज, फिर दोबारा से उनके ऊपर फॉलिकल्स बनेंगे तो ही वो मतलब कि अपना दोबारा हीट साइकिल शो करेगी ये गाय, और फिर इसको हम इंसेमिनेट करेंगे। तो वीडियो बनाने का और आपको दिखाने का केसेस मकसद यही होता है कि आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और दूसरे फार्मर्स तक पहुंचाएं, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए, और जो लोग वेट्स हैं, जो वेटनेरियन हैं, जो मेरी इस बात से रिलेट करते हैं, वो भी वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे वेटनेरियन तक भी ये पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। तो चलें इसको हम लगाते हैं इंजेक्शन, और आप भी इस तरह के जानवर कोई जो होते हैं उनको प्रॉपरली पहले डायग्नोज किया करें, ओवरीज उनकी चेक किया करें और फिर ही आगे कोई डिसीजन लिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जी नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।